एक दिन के जनता कर्फ्यू के बाद देश के कई हिस्सों में कंप्लीट लॉकडाउन कर दिया गया है। कोरोना वायरस से प्रभावित दिल्ली समेत 9 राज्यों के 75 शहरों में 31 मार्च तक कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। इसके अलावा 5 राज्यों में पूरी तरह से लॉकडाउन किया गया है। दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब, ओडिशा और बंगाल के हर जिले में 31 मार्च तक लोगों के बाहर निकलने पर पाबंदी लगाई गई है। इन राज्यों में करीब 29 करोड़ लोग रहते हैं। अभी दिल्ली के अंदर हमारे पास 27 केसेस हैं। इन 27 केसेस में 6 केसेस ट्रांसमिशन के हैं, मतलब कि 6 केस वो हैं जो एक आदमी से दूसरे को लगे। ये तय किया गया है कि कल सुबह 6 बजे से दिल्ली के अंदर लॉकडाउन किया जाए और ये 31 मार्च की रात को 12 बजे तक लॉकडाउन जारी रहेगा। इस लॉकडाउन के तहत कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस अलाउ नहीं की जाएगी। इसमें प्राइवेट बसें, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, रिक्शा, ई रिक्शा ये अलाउ नहीं की जाएंगी, ये बंद होंगी। डीटीसी की बसें 25% चलेंगी और वो इसलिए ताकि जो एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले लोग हैं दिल्ली के अंदर वो अपने अपने गंतव्य स्थान पे जा सकें। दिल्ली के सारे शॉप्स, बाजार, कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट, फैक्ट्री, वर्कशॉप, ऑफिस, गोडाउन, वीकली बाजार ये सब बंद रहेंगे। कई राज्यों ने अपने कुछ जिलों में लॉकडाउन घोषित किया है। महाराष्ट्र में 13 जिले पिंपरी चिंचवड़, पुणे, मुंबई, नागपुर, यवतमाल, नवी मुंबई, कल्याण, अहमदनगर, रायगढ़, ठाणे, उल्लासनगर, औरंगाबाद और रत्नागिरी में लॉकडाउन रहेगा। मध्य प्रदेश में 9 जिले भोपाल, जबलपुर, सिवनी, बालाघाट, नरसिंहपुर, रीवा, बैतूल, ग्वालियर, उज्जैन और छिंदवाड़ा में 31 मार्च तक लॉकडाउन की स्थिति रहेगी। यूपी में 3 जिले गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा और लखनऊ में अगले नोटिस तक लोगों को घरों में ही रहना होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो अन्य शहरों में भी लॉकडाउन किया जा सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को कहा है कि वो आदेश जारी करे कि जो 75 के करीब जिले हैं जहाँ पर कि ये पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं उनमें बाकी सारी सर्विसेज को रोकते हुए खाली एसेंशियल सर्विसेज ही ऑपरेट करें, उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट आदेश जारी करे। साथ ही ये भी डिस्कशन हुआ है, ये भी निर्णय लिया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट इस लिस्ट को अपने असेसमेंट के तहत बढ़ा भी सकती है। वहीं रेलवे ने कोरोना वायरस के मद्देनजर 31 मार्च तक सभी मेल, एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों को रद्द कर दिया है। इस दौरान सिर्फ मालगाड़ियों का संचालन किया जाएगा। भारत में अब तक कोरोना के कुल 341 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। आज एक और मरीज की मौत के साथ मरने वालों का आंकड़ा 5 हो गया। आने वाले कुछ दिन बेहद अहम हैं, इसलिए जब तक बहुत ज्यादा जरूरी ना हो आप बाहर ना निकलें। ब्यूरो रिपोर्ट, द शूद्र। बहुजन समाज से जुड़ी हर खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें द शूद्र और बेल आइकन दबाना ना भूलें।